गरीब वर्सेस अमीर का फर्स्ट फैक्ट। एक गांव में एक धनवान का आलीशान घर और एक झोपड़ी पास पास में ही थे। धनवान के बेटे का नाम था गोयल और गरीब लड़के का नाम था बिट्टू। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गोयल को धनवान होने का बहुत घमंड था। वो हमेशा बिट्टू को सताता रहता था। धनवान अपने बेटे गोयल को स्कूल कार पर छोड़ता था और बिट्टू के पिताजी उसे अपने साइकिल रिक्शा में छोड़ने जाते थे। एक दिन धनवान ने अपने बेटे गोयल के जन्मदिन पर उसे एक कुत्ता तोहफे में दिया। गोयल ने उस कुत्ते का नाम रखा जिम्मी और उसके साथ बहुत मजे से खेलता था। उसने उस कुत्ते को ऐसा ट्रेनिंग दिया था कि जो भी वस्तु वो कहे वो कुत्ता लाकर देता। जैसे गेंद फेंकता तो कुत्ता गेंद लेके आता। ये सब बिट्टू देख रहा था। उसे देखते हुए देखकर गोयल उसे सताने लगा। गोयल, क्यों रे? देखा मेरे कुत्ते को? हाँ, मैं जो कहता हूँ वो करता है। जानते हो इसकी कीमत क्या है? अरे तुमने जान भी लिया तो क्या उखाड़ लोगे? मेरे जिम्मी को देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? बिट्टू, गोयल ये सोच कर कि हम गरीब है तुम हमारा यूँ मजाक उड़ाते हो। मैं भला तुम्हारे जिम्मी से क्यों जलने लगा? जिम्मी के कर्तव्य देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोयल गोयल, अरे रहने दो ये फिल्मी डायलॉग। चलो जिम्मी हम अंदर चलते हैं, कहीं इसकी नजर ना लग जाए। कहकर उसे अंदर ले गया। एक दिन वो गरीब आदमी एक मेमने को लेकर घर आया। उस मेमने को अपनी पत्नी को दिया और अरे भगवान पता नहीं किसका मेमना है, रास्ते में भटक रहा था तुम्हें ले आया, जरा इसका अच्छा मटन बिरयानी बना के खिलाओ तो सही। तब वो मेमना कर चिल्लाने लगा। तभी बिट्टू ने अपनी माँ के हाथ से उस मेमने को छीना और उसे जमीन पर रखते हुए, पिताजी इतना प्यारा मेमना है और आप इसे काट कर खाना चाहते हैं? मुझे ये मेमना पसंद है, मैं इसे पालूंगा, कोई इसे हाथ ना लगाए। कहकर उसे लेकर चला गया। वो उस मेमने की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। वो भी उस मेमने को जिम्मी की तरह ट्रेन करने लगा। उसने उसे केवल बॉल लाने के लिए या कोई वस्तु लाने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी। उसे रिंग के अंदर से कूदने की भी ट्रेनिंग दी। उस मेमने के कर्तव्य देखकर गोयल को बहुत गुस्सा आया। स्कूल के पास जब बिट्टू उस मेमने को रिंग के बीच में से कूदने को कहता और वो कूदता तो ये देखकर बच्चे बहुत जोर से ताली बजाते। एक लड़का, अरे यार गोयल ये मेमना तो तेरे जिम्मी से भी बढ़िया है। तेरा जिम्मी रिंग के बीच में से नहीं कूद सकता है ना, तुम उसे कब सिखाओगे? यूं पूछा तो गोयल के बदन में आग लग गई। वो तुरंत अपने पिताजी के पास गया और पिताजी उसका मेमना सब काम करता है जो जिम्मी करता है, ऊपर से वो रिंग के बीच में से भी कूदता है लेकिन जिम्मी कूद नहीं पाता। मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे, बस उसके पास वो मेमना नहीं होना चाहिए। तब पिताजी अरे बेटा जिस मेमने का बिरयानी बनना हो उसको ट्रेनिंग देने का क्या फायदा, तुम जाके सो जाओ, कल हमारे आदमी जाएंगे और उस मेमने को लेकर आ जाएंगे और फिर हम उसका बिरयानी बनाएंगे। उस रात को कुछ चोर गोयल के घर की ओर जा रहे थे, ये उस मेमने ने देख लिया। वो मेमना उनका पीछा करने लगा। उन चोरों को देखकर मारे डर के जिमी पलंग के नीचे जा छिपा लेकिन वो मेमना उन्हें खिड़की से झांक कर देख रहा था। जैसे ही उन चोरों ने अलमारी खोला मेमना कहकर जोर से चिल्लाने लगा। ये शोर सुनकर धनवान नींद से जागा और उसने चोरों को अलमारी खोलते हुए और मेमने को खिड़की से चिल्लाते हुए देखा। मेमना बिना रुके चिल्ला रहा था, मेमना करके आवाज कर रहा था। तब धनवान चोर चोर पकड़ो पकड़ो कर चिल्लाने लगा।
बस सभी नौकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने चोरों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा, फिर पुलिस को सौंप दिया। अगले दिन धनवान बिट्टू से, बेटा बिट्टू, तुम्हारे इस मेमने ने हमारे घर की कीमती वस्तुओं की चोरी होने से बचाया, तुम्हारा धन्यवाद बेटा। तब गोयल, हाँ यार, मैंने पिताजी से कहा था कि तुम्हारे इस मेमने को मार डाले, लेकिन आज इसने हमारे करोड़ों की संपत्ति को चोरी होने से इसने बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद यार, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं सताऊंगा, कहकर उसने हाथ मिलाया। उस दिन से बिट्टू, गोयल, जिम्मी और वो मेमना मिलजुल कर खेलते थे।